नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राइजिंग इंडिया में। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं देवभूमि में पिछले 24 घंटों में क्या कुछ रहा खास। उत्तराखंड बना देश का प्रथम राज्य जहां सभी परिवारों को मिलेगा प्रधानमंत्री की स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ। आयुष्मान योजना के तहत केंद्र और राज्य सरकार के बीच शिमला में MOU पर हुए हस्ताक्षर, जिसको माना जा रहा है त्रिवेंद्र सरकार की बड़ी कामयाबी। अगले 24 घंटे हैं उत्तराखंड के लिए भारी, दोबारा दस्तक दे सकता है तूफान। 7 जिलों पर मंडराया खतरा। ये 7 जिले हैं देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल, उधम सिंह नगर, पिथौरागढ़ और चंपावत। उत्तराखंड सरकार द्वारा 5 अप्रैल को जारी 23 निकायों के सीमा विस्तार की अंतिम अधिसूचना को हाईकोर्ट ने सोमवार को रद्द कर दिया। इस मामले की अगली सुनवाई 8 मई को होगी। गौरतलब है कि 35 ग्राम सभाओं सहित 2 दर्जन से अधिक निकायों के संबंध में सीमा विस्तार के मामले में अलग अलग याचिकाएं हाईकोर्ट में दायर की गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी डिजिटल इंडिया योजना का उत्तराखंड में तेजी से हो रहा है विस्तार। काठगोदाम के बाद रुद्रपुर बना कुमाऊं का दूसरा वाईफाई रेलवे स्टेशन। सेवा के तहत रेलटेल ने रुद्रपुर स्टेशन पर वाईफाई हेतु 6 बॉक्स लगाए। कुमाऊं को मिला हवाई सेवा का तोहफा। दिल्ली से पन्नगर के लिए एयर इंडिया की सीधी फ्लाइट हुई शुरू। प्रतिदिन 72 सीट वाला विमान दिल्ली से पन्नगर के बीच भरेगा उड़ान। सोमवार को CISCE के 10वीं और 12वीं के नतीजे हुए घोषित। 12वीं में 5 छात्राओं समेत 7 बच्चों ने 99.5% अंक प्राप्त कर संयुक्त रूप से प्रथम स्थान प्राप्त किया, तो वहीं उत्तराखंड के वेलहम गर्ल्स स्कूल की तमन्ना दाहिया ने 99.25% अंक हासिल कर देश में किया दूसरा स्थान प्राप्त। तो वहीं 10वीं में भव्या मैदान को 98.25% अंकों के साथ प्रदेश में मिला प्रथम स्थान। चाय वाले के देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद अब हरिद्वार में चाय वाले के बेटे व्योम गुप्ता ने जेई मेंस के बाद 12वीं में किया टॉप। उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने शुरू की नई पहल। कहा, नहीं जाएंगे उस विद्यालय में जहां शिक्षक होंगे बिना यूनिफॉर्म के। निजी स्कूलों पर फीस नियंत्रण के लिए उत्तराखंड सरकार लाएगी अध्यादेश। हाईकोर्ट में दायर PIL के जवाब में दिया शपथ पत्र। हेमकुंड साहिब यात्रा की तैयारियों में खराब मौसम बना रोड़ा। प्रदेश सरकार ने दिलाया भरोसा, 25 मई को यात्रा प्रारंभ होने से पूर्व सभी तैयारियां समय पर कर ली जाएंगी पूरी। एम्स ऋषिकेश के निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर रविकांत को मिला बेस्ट डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड। एम्स ऋषिकेश में आने वाले मरीजों को नगद की जगह डिजिटल पेमेंट की प्रक्रिया को अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर प्राप्त किया 100% डिजिटलीकरण का लक्ष्य। नैनीताल जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जिला विभाग ने जारी की 1 करोड़ रुपए की राशि। केनिया में जैकब जुमा की कुर्सी हिलाने के बाद उत्तराखंड पहुंचे गुप्ता ब्रदर्स। बद्रीनाथ में चढ़ाएंगे सोने का छत्र। टिहरी से सांसद माला राजलक्ष्मी शाह जिले में BSNL की लचर सेवाओं की। दिल्ली में संचार मंत्रालय से करेंगी शिकायत। BSNL के अधिकारियों और कर्मचारियों के मनमाने रवैये से अत्यधिक परेशान हैं जिले के लोग। चेस्ट से 25 करोड़ रुपए पहुंचा पिथौरागढ़। नकदी की किल्लत से मिली राहत। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा वीडियो और क्या है आपकी राय उत्तराखंड सरकार की योजनाओं के बारे में? अपनी राय राइजिंग इंडिया पे पोस्ट करना ना भूलें। यदि पसंद आया आपको हमारा वीडियो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर करें हमारे वीडियो लिंक को और ऐसे ही वीडियोस आगे देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए राइजिंग इंडिया को। सब्सक्रिप्शन के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।